लखनऊ के थाली में वकीलों के जबरदस्त हंगामा, साथी को छुड़ाने के लिए पहुंचे। सड़क हादसे के बाद शुरू हुआ बवाल, दोनों पक्षों को लाया गया थाने। पुलिस ने दोनों पक्षों में करवाया समझौता, हंगामे का वीडियो लेकिन वायरल। मुंबई के साहू नगर में कमला नगर में झोपड़ियों में लगी भीषण आग, 25 झोपड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियों आग बुझाने में जुटी हुई है, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आज दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव, चौथी बार होने वाली है बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रही है बैठक, कोर्ट ने कहा था मनोनीत पार्षदों के मेयर के चुनाव में मताधिकार नहीं। बीजेपी लगातार करे मेयर चुनाव में जीत का दावा, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव। डीसीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, हाल की बड़ी घटनाओं को लेकर जताई चिंता। एलजी ने कहा हिंसक अपराध की श्रेणी में दिल्ली में तीसरे नंबर पर है, महिलाओं के अपराध के मामले में देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस का नोटिस, 3 दिन में मांगा गया जवाब। खानपुर देहात में मां बेटी की जलने की वजह से मौत हुई थी, इस पर नेहा सिंह राठौर ने बनाया था वीडियो, गीत के बोल पर मांगे गए जवाब। नोटिस में लिखा गया आपके गीत के कारण समाज में वैमनस्य और तनाव की स्थिति पैदा हुई, जवाब संतोषजनक नहीं तो कानूनी कार्रवाई। सहारनपुर में थाना सदर क्षेत्र से गायब हुए मासूम बच्चे का 5वें दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, सीएम से मदद की गुहार लगाई गई। पोस्टर बैनर के साथ लोगों ने निकाला जुलूस, 17 फरवरी को घर से बाहर खेलते वक्त लापता हो गया था बच्चा। धौलपुर में नई दिल्ली से चेन्नई जाने वाले गरीब रथ एक्सप्रेस में फैली बम की अफवाह, आरोपियों से रेलवे पुलिस कर रही है पूछताछ। अलीगढ़ में बारातियों से भरी हुई बस में लगी आग, शीशे तोड़कर निकले बाराती। यमुनानगर में शराब कारोबारी के घर पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग और संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क होने का आरोप। फिरोजपुर में 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर्स के साथ फोन कॉल डिटेल से मिले सुराग। जालौर में ब्रांड के नाम पर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने उस पर रेड की, 10 टन की खेप मिली, फैक्ट्री मालिक फरार। बारामती में बिबर्ड परियोजना में लगी भीषण आग, पूरा वन क्षेत्र जलकर खाक। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर हुई युवक की मौत। बरेली में पकड़ी गई असला फैक्ट्री, आरोपियों के पास से बरामद हुई कई तमंचे और हथियार। उत्तरकाशी में टेंट बांधते समय करंट की चपेट में आने से 4 सैनिक जख्मी हुए, 1 की मौत। बांदा में पेपर देने जा रहे छात्र को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, इलाज के दौरान छात्रा की मौत। प्रयागराज में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकवादी बताया, स्वरा भास्कर की शादी पर भी नाराजगी जताई। जेपी नेता सुबोध राय हत्याकांड में आरोपी धीरेन्द्र दिल्ली से गिरफ्तार, कई संगीन मामलों में चल रहा था फरार। दिल्ली के एम्स में मेडिकल कराने पहुंचा नाबालिग, आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR। धौलपुर में नेशनल हाईवे 23 पर बाइक के भिड़ंत में दामाद और ससुर की मौत, शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बिलासपुर में छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर निकले छात्र, धरना और नारेबाजी हुई। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गिराई गई 8 दुकानें। रांची में 65 लाख के जेवर लूट के मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, हथियार के बल पर हुई थी लूटपाट। समस्तीपुर रेल मंडल में मेगा टिकट चेकिंग अभियान में महज 16 घंटों में कमाए गए 21 लाख रुपए, बिना टिकट लेकर चलने वाले पकड़े गए 3,035 यात्री। प्रयागराज के रहने वाला मनरेगा मजदूर बना खो खो का खिलाड़ी, परिवार और गांव के लोगों को उस पर गर्व। बिलासपुर में प्रेम विवाह करने वाली महिला को परिवार वाले जबरन ले आए, झगड़े में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। भिवानी में नरकंकाल कांड में आरोपियों के बचाव में उतरा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, राजस्थान पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। भिवानी कांड पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाएगी राजस्थान सरकार। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की बड़ी मुश्किलें, मुंबई में मारपीट मामले में शॉ समेत 4 के खिलाफ केस। मारपीट मामले में जमानत पर रिहा सपना गिल ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, धारदार हथियार से हमला करने की बात भी कही। छपरा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविन्द्रनाथ मिश्र हत्या के मामले में दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग। पठानकोट में अवैध शराब समेत 8 नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से नशीला पदार्थ बरामद। अलीगढ़ में जुनैद नासिर हत्याकांड के विरोध में एएमयू छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, हरियाणा राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध। जालंधर में नगर निगम के संविदा कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे किया जाम, नौकरी पर पक्का करने की मांग। पिथौरागढ़ में पावर प्लांट के विरोध में उतरे हजारों ग्रामीण परियोजना को रोकने की मांग। बाराबंकी में गैस लीक के चलते कई घर जलकर राख, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अलवर में बजरंग दल के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी के बाद हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, एडीएम को सौंपा गया ज्ञापन।
मुजफ्फरनगर में बीकेयू के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोगा में नशे के खात्मे को लेकर सरकार ने चलाया ऑपरेशन, 400 से अधिक पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में हुए शामिल। दुर्ग में विधायक के घर में ईडी की छापेमारी, कार्यकर्ताओं ने विरोध कर सड़क पर जलाए टायर। छतरपुर में G20 की पहली बैठक को लेकर तैयारियां पूरी, 23 और 25 फरवरी तक चलने वाली इस बैठक में 125 डेलीगेशन के शामिल होने की संभावना। चंदौली में बदलते मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, बढ़ते तापमान से फसलों को नुकसान होने की संभावना। चंद्रपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का बैनर हटाए जाने को लेकर जमकर हंगामा, होटल मालिक के माफी मांगने के बाद शांत हुआ मामला। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी, पार्षद के रिश्तेदार ने किया खुलासा। मोतिहारी में आयोजित हुआ भव्य कृषि मेला, राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी हुए शामिल। मथुरा में बरसाने में राधा कृष्ण की अद्भुत रासलीला, झूमे राधा रानी के संग भक्त, दिव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। मथुरा के बरसाने में आज साधकों को सौंपी जाएगी कुटिया, 108 इको फ्रेंडली कुटिया का निर्माण। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। समस्तीपुर में निकाले गए भव्य कलश शोभा यात्रा, 65 साल बाद किया गया आयोजन। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, सतना में देंगे मेडिकल कॉलेज की सौगात। इटावा में प्राइवेट बस और गाड़ी में टक्कर, कंडक्टर की मौत, 3 यात्री घायल। पराया में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी पर कई आपराधिक केस दर्ज। हिसार में जमीनी विवाद में बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा शख्स, 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। फतेहपुर में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र को वाहन ने मारी टक्कर, छात्र की अस्पताल में मौत। पानीपत में हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक शख्स की जान ले ली, लव मैरिज को लेकर विवाद था। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की हत्या, मामले की जांच जारी। बाराबंकी में 50 साल के किसान को मारी गई गोली, हुई मौत, हत्यारे फरार। चूरू में दो ट्रक की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत, 3 लोगों की मौत। हरदोई में शख्स ने पत्नी को जिंदा जलाया, पति गिरफ्तार। भोजपुर में प्रशासन ने ओवर रोडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। लखनऊ में कार सवार निरीक्षक ड्राइवर को गाड़ी से घसीटा, पीड़ित की मौत। धौलपुर में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर झूलता हुआ शव मिला, पुलिस कर रही है जांच। आरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, बाइक सवार युवक की मौत। गया में मॉर्निंग वॉक पर गए प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात ने मारी गोली, शख्स की मौके पर ही मौत। हैदराबाद में कुत्तों के झुंड ने 4 साल के बच्चे पर हमला किया, इलाज के दौरान बच्चे की मौत। दिल्ली के मॉडल टाउन थाना इलाके में HDFC बैंक में युवक ने चलाई गोलियां, मौके पर ही आरोपी गिरफ्तार। खेड़ा में शख्स ने सास की हत्या की, आरोपी दामाद को आजीवन कारावास की सजा। अलवर में नर्सिंग की छात्रा के साथ शिक्षक ने किया दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में पेड़ से लटकी हुई मिली बीजेपी कार्यकर्ता की लाश, मौके पर पुलिस पहुंचे, पुलिस छानबीन कर रही है। गढ़वा में मौलाना पर बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप, मौलाना फरार। उत्तराखंड के पौड़ी में शिक्षक ने पीट पीट कर तोड़ा छात्र का हाथ, परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग। अमृतसर में भैरवनाथ मंदिर में बाबा ने शराब पीकर युवक की बेरहमी से पिटाई की, पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार। समस्तीपुर में दो गुटों में झड़प के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 4 बदमाश गिरफ्तार। नालंदा में होटल में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई एक्साइज की टीम, शराब न मिलने पर होटल मालिक के बेटे को पीटा गया। समस्तीपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुणे में कंटेनर और कार के भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने शुरू की धनबाद में बने हाई राइज बिल्डिंग की जांच, 50 से ज्यादा बिल्डिंग की जांच में जुटी टीम। आगरा में हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत, घटना का वीडियो वायरल। इंदौर में प्रॉपर्टी कारोबारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। आसनसोल में स्कूली भवन निर्माण के लिए आए 20 लाख रुपए हुए गायब, स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। गाजीपुर में दूसरे के नाम पर बोर्ड परीक्षा दे रहे 13 आरोपी गिरफ्तार, 9 लड़के और 4 लड़कियां रंगे हाथों पकड़े गए। सीकर में अधिकारी के नाम पर घूस लेते 3 वकील गिरफ्तार, 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। धौलपुर में अवैध गैस सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, 60 गैस सिलेंडर बरामद। मेरठ में सराफ की दुकान में सोना चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद। वाराणसी में 4 साल की बच्ची का शव नाले में मिला, डूबकर मौत की आशंका। धनबाद में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, दुकानें जलकर खाक। अंबाला के होटल में आबकारी विभाग का छापा, एक्साइज विभाग को मिले होटल में बिना लाइसेंस के शराब परोसने की शिकायत।
मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ घटना में एक लुटेरे को लगी गोली। उदयपुर में दूल्हे को घोड़े पर बिठाने को लेकर हुआ विवाद, पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी।